क्या 12 साल का बच्चा आत्महत्या को लेकर कुछ सोच सकता है? जी नहीं, पर जबलपुर के पनेहरा के पास आज दोपहर कक्षा 12वीं में पढ़ने वाला एक छात्र आदित्य गुप्ता ने फांसी लगा ली। घटना उस समय की है जब छात्र घर पर अकेला था। शाम को जब छात्र के माता पिता घर पहुंचे और उसने दरवाजा नहीं खोला तो परिजनों ने पड़ोस के लोगों को बुलाया और जब दरवाजा खोला तो देखा कि बच्चा मफलर के सहारे फांसी पर लटका हुआ था। इधर घटना के तुरंत बाद ही रांची थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक छात्र आदित्य क्लास 6वीं में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और करीब 5 साल पहले भी उसने खेल खेल में अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की थी। बताया ये भी जा रहा है कि छात्र के हाल ही में सम्पन्न हुए अर्धवार्षिक परीक्षा में नंबर कम आए थे, जिसको लेकर भी वो काफी परेशान था। फिलहाल घटना के बाद यहाँ पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। वहीं पूरे इलाके में शोक पसरा हुआ है। जिला अस्पताल जबलपुर से सूचना मिली कि एक लड़के के परिजन जो है लड़के को लाए हैं और बताए कि ये जो है घर पे फांसी लगाए हुआ था, इसे लाए डॉक्टर साहब यहाँ देख कर उसको मृत घोषित किए। कारण अभी स्पष्ट को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परिजनों ने ये बताया कि लड़का जो है इसके पहले 4-5 साल पहले भी इस टाइप से बीही के झाड़ में इस टाइप से हरकत किया था और बताया कि मैं तो खेल रहा था। इसमें समझ में नहीं रहा, हो सकता है कि पुनः ये हरकत इसी टाइप से किया होगा।